Hello and welcome back. I'm Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं Sulcofix लेंस की सर्जरी. अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो स्पेशल लेंस है Sulcofix लेंस, ये यूज कहां पे होता है. तो आज के जिस पेशेंट को हम ऑपरेट कर रहे हैं, उन पेशेंट का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था और मोतियाबिंद के ऑपरेशन में जो आंख में लेंस डाला गया वो गलत पावर का डल गया. सही पावर ना होने की वजह से पेशेंट की आंख में 8 नंबर का चश्मा आ गया और पेशेंट हमारे पास आए कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मैंने एम्स में ऑपरेशन कराया था, मेरी आंख में इस तरह का नंबर आ गया है, क्या कोई सोल्यूशन है कि हम इस लेंस को निकाल के नया लेंस डाल दें या इस पावर को हम किसी तरह से हटा दें. वेल, देखिए, अगर ये ऑपरेशन बहुत पहले नहीं करा किया होता, 6-8 महीने पहले का ऑपरेशन होता, तो यूजुअली हम जो लेंस आंख में डला होता है उसको निकाल के नया लेंस डाल देते हैं. लेकिन इन पेशेंट का ऑपरेशन को हुए हुए करीब 5 से 6 साल हो गए और उस लेंस के अराउंड बॉडी ने हीलिंग कर दी है, तो उस लेंस को निकालना अब मुश्किल है, तो हम Sulcofix लेंस का यूज कर रहे हैं. Sulcofix लेंस क्या होता है कि आपका जो मोतियाबिंद का आंख में लेंस डला हुआ है उसी के ऊपर एक और लेंस हम डाल देते हैं जिसमें 8 नंबर की पावर है. तो पेशेंट की आंख में 8 नंबर की कमी थी, लेंस हम चेंज कर नहीं सकते, तो हमने आंख में एक 8 नंबर का लेंस ऊपर से डाल दिया जिससे पेशेंट की सारी पावर इस लेंस से आंख में चली गई और अब पेशेंट को चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है. तो Sulcofix लेंस जो होता है एक एड ऑन लेंस है कि अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन के बाद आंख में चश्मे का नंबर रह गया तो उस नंबर को भी अब हम हटा सकते हैं Sulcofix लेंस को आंख में डाल के. तो मैं पूरी सर्जरी आपको दिखाता हूं कैसे कैसे होती है, सर्जरी के बीच में भी आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे कैसे हम पेशेंट के चश्मे का नंबर जीरो कर रहे हैं. तो Sulcofix लेंस भी जब हम डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने बस लेंस खोला और आंख में डाल दिया. इस लेंस को प्रॉपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आंख के अंदर अलाइन करा जाता है जिसमें हम लोग वेरियन टेक्नोलॉजी एंड सेंचुरियन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. अच्छा, इस लेंस के बाद ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरी ज़िंदगी कुछ ध्यान रखना है. अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कल को हाथ लग गया, खुजला लिया, मल लिया, तो कोई टेंशन तो नहीं है? तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है. आपकी आँख में हाथ लग गया, बॉल लग गया, खुजला लिया, मल लिया, रगड़ लिया, गर्मी सर्दी बारिश पानी धूल मिट्टी, घर के काम, किचन के काम, ऑफिस के काम, अपने रोज़मर्रा के काम करना, फुटबॉल क्रिकेट खेलना, स्पोर्ट्स खेलना, एडवेंचर स्पोर्ट्स करना, ये सारे काम आप इस लेंस के साथ कर सकते हैं. इसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है. आज ऑपरेशन करा, कल से दिखना शुरू. 4-5 दिन का थोड़ा सा आराम करना पड़ता है. हम कहते हैं थोड़ा घर के अंदर रहना चाहिए, आंख में धूल मिट्टी नहीं जानी चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप कम यूज़ करना चाहिए. 6-7 दिन में आप काफ़ी हद तक रिकवर हो जाते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम शुरू कर सकते हैं और 1 महीने के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं. वैसे उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको और क्लैरिटी मिली होगी. इस वीडियो से मेरा पर्पस ये है इस वीडियो को बनाने का कि आज की डेट में अगर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आपके चश्मे का नंबर बच जाता है तो आपको चश्मा पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है. Sulcofix टेक्निक से हम आपके इस चश्मे के नंबर को हटा सकते हैं और आपको चश्मे से पूरी तरह से आज़ादी दिलवा सकते हैं. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून.